नमस्कार, मैं दिशांत श्रीवास्तव कॉमिक वर्ल्ड के ऑडियो स्टोरी सेगमेंट हॉरर डायरीज में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में आपने सुना चीखती हवेली के कितने राज कहानी का 8वां भाग। चलिए आप सुनते हैं इस कहानी का 9वां भाग। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कल्पू का एक भाई चिमनलाल संजना को घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जा रहा था और संजना चिल्ला रही थी। दूसरे भाई ने टोका, क्या हुआ, इतना वहशी क्यों हुआ जा रहा है? चुप रहो तुम, चिमनलाल गुस्से में बोला। कितनी बार कहा है कि इस लड़की को कहीं ठिकाने लगा दो, अरे आखिर हुआ क्या बता तो। भाग रही थी, चिमनलाल चिल्लाया, अगर बाहर निकल जाती तो अभी हम सब पकड़े जाते। मैं संजना को देख रहा था, उसके होठों से खून रिस रहा था, बाल बिखरे हुए थे, आंखों से आंसू बहकर लुढ़क लुढ़क कर सूख चुके थे। उसे वापस कुर्सी पर बांध दिया गया और इस पर बहुत ही मजबूती से बांधा गया। दोनों भाइयों को जब इत्मीनान हो गया कि अब ये नहीं छुड़ा पाएगी तो वो वहाँ से चले गए। संजना अब शांत बैठी कुछ बुदबुदा रही थी। वो क्या कह रही थी मुझे अभी भी पता नहीं चल पाया था। मैं और नज़दीक गया उसके बिल्कुल करीब और अपना कान उसके पास ले जाकर सुनने लगा। हवेली का राज, हवेली का राज, कोई तो पता करो हवेली का राज। मैं समझ ना सका कि वो क्या कहना चाहती है। आखिर किसने जलाई हवेली, पता करूंगी मैं, पता करूंगी ये हवेली का राज। मुझे शायद इशारे मिल रहे थे। मैं अब जितनी जल्दी हो सके उस जली हुई हवेली में पहुंच जाना चाहता था। मैंने संजना के सिर पर हाथ फिराया ताकि उसे कुछ शांति मिल सके, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर भी मैंने उसे सांत्वना दिया, मैं पर्दाफाश करूंगा संजना उस हवेली के राज का। मेरे पैरों में जैसे कोई दौड़ती मशीन बांध दी गई हो। मैं बहुत ही तेजी से सुनसान जंगलों को पार करते हुए काली सड़क पर आया और तेजी से भागने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छूट ना जाए और मैं तेजी से भागते हुए हवेली के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि हवेली तो जली हुई नहीं थी, हवेली बिल्कुल नई सी खड़ी हुई थी। मैं सोच में पड़ गया, मतलब मैं जली हुई हवेली के समय से पहले पहुंच गया था। दरवाजे पर एक दरबान खड़ा था। हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी, लोग आ जा रहे थे। मैं बिना रोक टोक अंदर जाने लगा। मुझे देख तो कोई नहीं रहा था, अंततः जब मैं अंदर हॉल में पहुंचा तो फिर से अचंभित हुए बिना ना रह सका। एक तरफ ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, हल्के वाद्य यंत्रों के साथ सुगम संगीत। एक तरफ खाने पीने का सामान और एक तरफ बड़ा सा संगमरमर का टेबल था जिस पर बड़ा सा केक रखा हुआ था। एक जैसी ड्रेस में एकाएक सोम बाबू के चारों बच्चे मेहमानों की उपस्थिति में आए। शायद किसी का जन्मदिन था। बड़ा बेटा बार बार ऊपर से नीचे तो कभी नीचे से ऊपर आ रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। चाचा जी, ये पापा कहाँ रह गए? मम्मी कब से तैयार होकर इंतजार कर रही हैं? सोम बाबू का बड़ा बेटा बोला। पता नहीं बेटे, शायद रास्ते में होंगे। पर चाचा, आज के दिन तो समय से आना था उन्हें। और ये कल्पू चाचा कहाँ रह गए? वो भी साथ ही में है बेटे। सभी लोग सोम बाबू का इंतजार कर रहे थे। देर बहुत हो चुकी थी। सोम बाबू की पत्नी गुस्से से पागल हुई जा रही थी। अपने ही किसी समारोह में पारंपरिक कपड़े पहनकर इंतजार करना बहुत भारी पड़ता है। आज सोम बाबू व उनकी पत्नी का सालगिरह था। सोम बाबू ने शाम को जल्दी आने का बोलकर कहा था, लेकिन वो अभी तक नहीं आए थे। उनकी पत्नी बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी कि कब सोम बाबू आए और वो उनके साथ ऊपर से नीचे आकर केक कटिंग करें। एक एक पल का इंतजार भारी पड़ने लगा था। गुस्से से लाल पीले हुए जा रही थी सोम बाबू की पत्नी। मेहमानों की वजह से वो शांत बैठी थी, नहीं तो अब तक सब कुछ फेंक फाँक कर कोप भवन में बैठ जाती। सोम बाबू आ गए, सोम बाबू आ गए, नीचे कोताहल हुआ। बड़ी देर कर दी जनाब आने में, पर ये क्यों, सभी की आंखें फटी रह गई थी। सोम बाबू अकेले नहीं आए थे,
सोम बाबू शादी के कपड़ों में थे, उनके गले में वरमाला थी, उनके साथ में एक दुल्हन के बीच में एक स्त्री थी। सभी की आंखें चौंधिया गईं। ये क्या है सोम बाबू? एक बड़े बुजुर्ग ने पूछा। शादी की है मैंने चाचा जी। क्या? सोम बाबू के चारों बच्चे वहां आए और अपने पिताजी को दूल्हे के रूप में देखकर बौखला गए। सोम बाबू की पत्नी के कानों में जब ये आवाज़ पहुंची तो वो भाग कर नीचे आई। ये सब क्या है सोम जी? कितनी बार बताऊं, मेरी दूसरी पत्नी। सोम बाबू के इस जवाब ने उनकी पत्नी पूजा को मूर्छित कर दिया। वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। बहुत बड़ा सदमा था। उनसे यह सुनाना गया और गिर पड़ी वो। माँ! चारों बच्चे दौड़कर माँ की तरफ भागे। पूरे हॉल में खुजर बुजर होने लगी थी। सोम बाबू ने यह अच्छा नहीं किया। चार चार बड़े बच्चों के बाप होकर भी एक और शादी कर ली, और उनकी पत्नी भी तो कितनी सुंदर और जवान है। आखिर क्यों की शादी? कुछ तो बात होगी। खामोश रहे आप लोग। सोम बाबू थोड़े नशे में थे। उन्होंने पहली बार ऊंची आवाज में बात की। यदि किसी ने भी एक शब्द कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसको रहना है रहो, खाना है खाओ, नहीं तो जा सकते हो। यहाँ कौन रहना चाहता है सोम? एक सभ्य ने कहा। तुम्हारी यही अकड़ एक दिन सब कुछ खत्म कर देगी। कब तक कलपू जैसा ईमानदार तुम्हारा साथ देगा? आप चुप ही रहें या फिर जाए यहाँ से। कलपू ने आग में घी डाला। मैं हूँ मालिक के साथ मरते दम तक। जब मेहमान निकलने लगे तो सोम बाबू ने अपने दोनों हाथों से ताली बजाई और उन सभी से कहा, जाने से पहले एक बार मेरी दुल्हन को भी देख लो आप सब। बाद में कहना नहीं कि पता नहीं चला दुल्हन कौन थी। मालिनी, जरा घूंघट तो उठाओ। और मालिनी नाम की उस दुल्हन ने अपना घूंघट उठाया तो सभी के होश उड़ गए। हवाइयाँ उड़ने लगीं चेहरे पर। मालिनी, मशहूर बार डांसर। छी, यही रह गया था देखने को। मशहूर हस्ती सोम बाबू, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया, वो बार गर्ल मालिनी के दामन में। इतनी अच्छी सुंदर सभ्य पत्नी के लिए नरक से निकली हुई बेहया को अपने घर की लक्ष्मी बनाकर लाए हैं। अब इनके घर कौन रुकेगा? छी, सोम बाबू, आपसे ये उम्मीदें नहीं थी। फूल जैसे बच्चों के लिए बाग से गिरे हुए सूखे पत्ते ही लाने थे, जो बरसात के पानी में सड़ गए हैं। लोग तमाम तरह की बातें करते हुए जाने लगे। किसी को रुकना अब गवारा नहीं था, इसलिए बिना एक पल गवाए सभी मेहमान वहां से फटाफट निकल गए। सोम बाबू की पत्नी पूजा को उसके कमरे में ले जाया गया। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया। वो ठीक थी, बस दिमाग पर सदमा लगा था। उन्हें घरेलू पारिवारिक डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया। अब वो सो रही थी। पापा, आखिर ये सब क्यों? डरते डरते बड़े बेटे ने सवाल किया। सोम बाबू ने एक तमाचा खींच कर मारा। खबरदार, यदि अब किसी ने भी इस बारे में बात की तो याद रखना, ये आप सबकी छोटी माँ है। और इतना कहकर सोम बाबू अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर ऊपर के कमरे में चले गए। कल्पू चाचा, ये सब क्या है? चारों बच्चे एक साथ कल्पू से बोले। पापा ने आखिर ये कदम क्यों उठाया? माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? सोचा था बेटे, कल्पू ने सोफे पर बिठाकर और खुद भी बैठकर बोला। बहुत बार ख्याल आया मालकिन का और आप सभी का भी, पर इस डायन ने इन्हें अपने वश में कर लिया है। पर अपने आप तो कुछ नहीं होता ना चाचा। बेटा, इन बातों को भूल जाओ और अपनी माँ का ख्याल रखो। चारों बच्चे बहुत उदास थे। उनके मन में पापा और मालिनी के लिए नफरत होने लगी। हवेली में घोर शांति थी, एक ऐसी शांति जो कभी भी ज्वालामुखी बन सकती थी। बच्चों के मन में अपने बाप के लिए घृणा पैदा हो रही थी। उनकी माँ पूजा कभी भी उठ सकती थी, और उठने के बाद जो बवाल होगा उसका कोई अंदाज़ा नहीं था। रात बहुत हो चुकी थी, पर किसी की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ पूजा सो रही थी। एक कमरे में सोम बाबू और मालिनी थे। सोम बाबू, क्या सच में आपने इनके साथ अच्छा किया? मुझे नहीं पता मालिनी, सोम बाबू शांत मन से बोले। आज नहीं तो कल तो ये दिन आना ही था, तो आज ही सही।
और बच्चों के मन में क्या क्या चल रहा होगा, क्या सोचते होंगे वो। मान ली 30 साल की एक खूबसूरत महिला, नैन नक्श खूबसूरत और गोरी चट्टी। मालनी सोम बाबू मालनी की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हें पता है मैं पूजा से कितना प्यार करता हूँ और बच्चों से भी, पर यह भी सच है कि तुम्हें नहीं छोड़ सकता। बस इतना जानता हूँ मैं सब ठीक कर दूंगा। इन लोगों को यह सच मानना पड़ेगा कि अब तुम भी इस घर की मालकिन हो। सोम बाबू, आप एक बार पूजा दीदी से मिल लो, जाओ, मालनी निवेदन करती हुई बोली। अभी वो सोई है, सुबह मिलता हूँ उससे। नहीं, अभी जाओ। मालनी खड़े होकर सोम बाबू के हाथ को पकड़कर उन्हें भी बेड से उठाती हुई बोली, आप अभी के अभी उनके कमरे में जाओ, आप वहीं रहो, हम सुबह बात करेंगे। ओह मालनी, सोम बाबू मालनी से बोले, तुम भी ना, इतना जिद ठीक नहीं। जाओ जाओ, आप आज की रात उनके पास जाओ। और सोम बाबू धीरे से दरवाज़ा खोलकर पूजा के कमरे में घुसे। वो नींद के आगोश में थी। चार बच्चों की माँ होते हुए भी कितनी खूबसूरत लग रही थी पूजा। सोम बाबू पूजा के पास गए और उसके माथे को छूना चाहा, प्यार से पूजा के मस्तक को चूमना चाहा। जैसे ही वो झुके, माँ को छूने की कोशिश भी मत करना पापा, सोम बाबू ने पलट कर देखा तो उनके सामने उनकी बेटी नबिया खड़ी थी। कहने को तो वो बच्ची थी, पर आज उसका ये रूप देखकर सोम बाबू भी विचलित हो गए थे। नव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो, सोम बाबू उसे डांटने वाले अंदाज में बोले। यही सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आप मेरी माँ के कमरे में क्या कर रहे हैं? सोम बाबू कुछ ना बोल पाए, बस चुप रहे। पापा, बोलिए पापा, नव्या बिलख कर बोली, आपने ऐसा क्यों किया? नव्या, सोम बाबू मायूस होकर बोले, बेटा मैं इस वक्त बस इतना जानता हूँ कि मैं आपकी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अभी मालिनी के बारे में कुछ पता नहीं सकता, बस बेटा आप लोग थोड़ा धैर्य रखो। इतना कहकर सोम बाबू वहाँ से चले गए और नव्या आंखों में आंसू लिए उन्हें जाते हुए देखती रही। माँ, नव्या की जोर की चीख सभी को सुनाई दी। सभी लोग दौड़कर पूजा के कमरे में भाग कर गए। नव्या माँ को पकड़कर रो रही थी। पूजा के मुंह से झाग बहता हुआ निकला था। चारों बच्चे जोर जोर से रोने लगे। सोम बाबू पूजा के पास गए और गश खाकर गिर पड़े। उनके आंखों में अंधेरा छाने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हुआ, पूजा ने आत्महत्या की या किसी ने उसे जहर देकर मार दिया। रात को तो बिल्कुल ठीक थी, सोई हुई थी। नव्या चिल्लाई, चिल्ला चिल्ला कर सोम बाबू पर टूट पड़ी, पापा सब आपकी वजह से हुआ है, माँ को आपने मारा है, इस कुतिया को निकालो यहाँ से, इसी ने मेरी माँ को मारा है। थोड़ी दूर पर खड़ी मालिनी को नव्या खा जाने वाली निगाहों से देखने लगी। सोम बाबू के बच्चे बौखला गए थे। हवेली में हत्या हुई थी या आत्महत्या? अगर आत्महत्या थी तो क्यों, और अगर हत्या थी तो किसने की? ये सारे सवालों का जवाब सुनते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।